दोस्तों आईपीएल जब भी शुरू होने में अब सिर्फ 3 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में दोस्तों सभी टीमों के प्लेयर जोरों शोरों से अपना प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों केकेआर टीम की प्रैक्टिस कैंप को लेकर बहुत सारा अपडेट्स है जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आंध्र असल और दिनेश कार्तिक की फाइट को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है जो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक जरूर देखिए। और पिछले वाले वीडियो में लाइक टारगेट था 800 लाइक्स का, जो अपने काफी जल्द कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में एम रखते हैं 850 लाइक्स का, देखते हैं कितना जल्द कंप्लीट हो पाता है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि डेली वीडियो सब मिस ना कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रैक्टिस कैंप को लेकर बात करें तो दोस्तों केके टीम प्लेयर्स को क्रिकेट प्रैक्टिस के साथ साथ अभी फुटबॉल खेलते हुए भी देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, केके टीम ने एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर प्लेयर्स को काफी जोश और जुनून के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखने को मिला है। और ऐसा क्योंकि प्लेयर्स कभी माइंड फ्रेश करने के लिए क्रिकेट के साथ साथ थोड़ा बहुत फुटबॉल भी खेल लेता है, जिनसे उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और काफी सारा फील्ड एक्सरसाइज भी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें, एक और वीडियो केकेआर टीम ने पोस्ट किया जहां पर दोस्तों केकेआर टीम की फिजियो कमलेश जैन और फील्डिंग कोच जेम फॉस्टर को देखने को मिला। तो दोस्तों यूएई के टेम्परेचर लगभग 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और ऐसी कंडीशन में प्लेयर्स को प्रैक्टिस करने में काफी समस्या हो रहा है, फिर भी सभी प्लेयर्स प्रैक्टिस सीजन में जम के पसीना बहा रहे हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस को लेकर और भी कुछ अपडेट्स आप लोगों को बता दूं तो दोस्तों केकेआर फैंस के लिए गुड न्यूज की शिवम अभी को काफी अच्छी गति और स्विंग के साथ गेंदबाजी करते हुए देखने को मिला है, जिसका छोटा सा क्लिप आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। उसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है सीपीएल प्लेयर्स जो रूम क्वारंटाइन में है उनका कोविड टेस्ट के बारे में। तो आपको बता दूं आंध्र असल क्रिस ग्रीन, सुनील नरीन और आली खान जैसे प्लेयर्स का डे 3 कोविड टेस्ट खत्म हो चुका है और रिपोर्ट नेगेटिव आया है। तो बस डे 6 में एक और टेस्ट होगा, जैसे ही रिपोर्ट नेगेटिव आता है सभी प्लेयर्स टीम के साथ प्रैक्टिस में जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं क्रिस ग्रीन और केकेआर टीम की नया तेज गेंदबाज अली खान अभी रूम क्वारंटाइन में एक्सरसाइज करते दिखाई दिया है, जिसका छोटा सा क्लिप आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड प्लेयर्स के बारे में, तो आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज खत्म होने जा रही है और बहुत ही चांसेस है कल यानी कि 17 सितंबर सभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एक ही प्लेन में यूएई के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अभी तक बीसीसीआई ने इस बात का कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है कि सभी प्लेयर्स को क्वारंटाइन में रहना होगा कि नहीं, क्योंकि शुरू से अगर 20 से 25 प्लेयर्स नहीं खेल पाते हैं तो काफी बड़ा नुकसान सभी आईपीएल टीमों को होने वाला है। पर दोस्तों आपको बता दूं केकेआर टीम की सीईओ विंकी माइसोन ने कुछ ही दिन पहले ये बता चुके हैं कि केकेआर टीम की 3 प्लेयर टॉम बेंटन, ओयन मॉर्गन और पैट कमिंस शुरू से ही अवेलेबल हो जाएंगे और अगर क्वारंटाइन में रहना भी पड़े फिर भी 23 तारीख की शुरुआती मैच खेलने वाला है। और दोस्तों आखिरी अपडेट के बारे में बात करें जो कि है आंध्र असल वर्सेस कप्तान दिनेश कार्तिक की फाइट को लेकर। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है 2019 में केकेआर टीम अंदर ही अंदर 2 ग्रुप में डिवाइड हो चुका था, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स को दिनेश कार्तिक की कप्तानी सही नहीं लगा था। तो ब्रैड हॉज ने कहा था कि अगर सेम फाइट इस साल भी केकेआर टीम में देखने को मिला तो काफी बड़ा लॉस केकेआर टीम को होने वाला है। पर दोस्तों आप सभी को बता दूं केकेआर टीम मेंटर डेविड हसी ने बता चुके हैं इस साल ऐसा कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आंध्र असल और डीके के बीच जो भी प्रॉब्लम था सॉर्ट आउट हो चुका है। दिनेश कार्तिक के बारे में उन्होंने कहा कि डीके काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी अच्छा एक लीडर भी है जो टीम के सभी प्लेयर्स को साथ लेकर चलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एक गुड न्यूज कि डीके और आंध्र असल के बीच जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।